तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज अपने साइट पे हैं और कैंटिलीवर बीम का ढलाई हुआ है, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम कब यूज़ होता है, कहाँ यूज होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है। आज का वीडियो इसी पे होने वाला था, इन तक बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। दिख रहा है हमारा वन फिक्स एंड अदर इज फ्री, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ कैंटिलीवर बीम। तो सवाल ये रहता है कि कैंटिलीवर बीम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसका नीड क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। कैंटिलीवर बीम इज़ अ टाइप ऑफ बीम विच इज़ वन इन फिक्स एंड अदर इज़ फ्री, ठीक है। कैंटिलीवर बीम दिख रहा है हमारे, एक साइड का हमारा फिक्स है, दूसरा हमारा हमारा फ्री है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, सिंपल सा डिफिनेशन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि इसका कहाँ नीड पड़ता है, कहाँ जरूरत पड़ता है, कैंटिलीवर बीम का कहाँ जरूरत पड़ता है। तो कैंटिलीवर बीम का बेसिकली वहाँ जरूरत पड़ता है जहाँ पे आपका बालकनी एरिया हो या फिर आपका बिल्डिंग काफ़ी G+3 G+4 का बिल्डिंग है, तो उस पर फर्स्ट फ्लोर पर आपको क्या करना है कि बारिश को, अगर बारिश के पानी के बौछार को रोकना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर कैंटिलीवर बीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या है कि कैंटिलीवर बीम फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग दिए हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूजेस, कहाँ का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये था कि एडवांटेज क्या है कैंटिलीवर बीम का। तो एडवांटेज ये है कि ये आपका कैंटिलीवर बीम जो होता है वो आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को क्रिएट नहीं होने देता है। किसके वजह से नहीं होने देता है, वो आपका जब एक एंड आपका फिक्स रहता है, दूसरा एंड आपका फ्री रहता है, तो जो आपका फ्री एंड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैरी करता रहता है, ठीक है। जिसके वजह से आपका जो फिक्स एंड होता है उस पर कोई भी लोड जनरेट नहीं होता है, जिसके वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सा था, समझ गए। अब सवाल ये आता है कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब आपका स्पेन काफ़ी लार्ज होगा, यानी कि आपका जो कैंटिलीवर बीम होगा उसका स्पेन काफ़ी बड़ा होगा, यानी 3 मीटर से ज़्यादा अगर होगा, तो उस पर क्या होता है कि नेगेटिव, वो उस पर क्या होता है कि डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। डिफ्लेक्शन क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो फिक्स एंड होगा वो क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन करें तो उसका स्पेन जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मीटर रखें, उससे ज़्यादा रखेंगे तो डिफ्लेक्शन का चांसेस, यानी कि क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज था। तो बेसिकली आप आज का वीडियो इसी पे था, कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बालकनी एरिया हो, बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन भी हो फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट पे बताइए, कमेंट में पूछिए या फिर हमको मेल करिए, ठीक है, हमको उसका आंसर जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइज, थैंक यू।